नमस्कार, मैं हूं प्रिया अरोड़ा। द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हम लगातार डेरा सदर सौदा के श्रद्धालुओं से सर्वे कर रहे हैं और जान रहे हैं कि आखिर क्या है रियल फैक्ट, आखिर क्या है डेरा सदर सौदा की सच्चाई। तो आइए जानते हैं एक और महिला जुड़ी है हमारे साथ कि आखिर उनका क्या कहना है डेरा सदर सौदा के बारे में। नमस्कार मैम, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। मैम, आप कितने टाइम से डेरा सदर सौदा में आ रहे हो? मैडम, मैं 94 से 94 से नाम लिया हुआ हमारे गुरु सी, तब से आप डेरे आ रहे हो। इतना लंबा समय हो गया आपको डेरा सदर सौदा में आते हुए, तो आपको क्या लगता है कि क्या जो गुरु जी के बारे में हेडलाइंस दिखाई गई थी 4 साल पहले, उसमें आखिर कितनी सच्चाई है? बिल्कुल सच्चा, बिल्कुल ठीक है। गुरु जी के बारे में 4 साल पहले कुछ हेडलाइंस दिखाई गई थी कि लड़कियां यहां सेफ नहीं है या कुछ भी है, उसके बारे में उसमें आखिर कितनी सच्चाई है? बिल्कुल ठीक है। और ये हमने कुछ नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा। हमको इतना चिर हो गया, छोटे छोटे थे हम आते थे, और मेरी 3 बेटियां हैं, मेरे भी 3 बेटियां, बेटा ने 2 की शादी कर दी, 1 रहती है, गुरु की कृपा से इतना हम मानते हैं। गुरु जी का करेक्टर कैसा है? बहुत अच्छा है। उसका तो हमारे दिल को जाने ना तो पता लगता है प्यार गुरु जी। आपको क्या लगता है कि गुरु जी को समाज की जरूरत है आज, आखिर क्यों? हमारा प्यार, आखिर समाज को गुरु जी की जरूरत क्यों है? जो कराते हैं ना, ये मतलब अपना नशा पत्ता छड़ाते हैं, सब कुछ छड़ाते हैं, उसकी जरूरत बहुत ज़्यादा। हमारे देश में इतना नशा चल रहा, सारा कुछ चल रहा, वो छड़ाते हैं, उसको अपनाते हैं, उसको हम करते हैं। आखिर आपको क्या लगता है कि गुरुजी समाज में आएंगे तो क्या समाज का सुधार होगा? बड़ा होगा, बहुत ज़्यादा। आपको ऐसा क्यों लगता है? हमारा मन पूछ के देखो, हम कैसे रहते हैं, एक एक दिन किस तरह काटते हैं गुरु से। गुरुजी का बिहेवियर कैसा था लड़कियों के प्रति? कुछ भी नहीं, हमने कुछ नहीं देखा। मेरे को तो इतना चिर हो गया, मैं अपनी बेटियों को भी लेके आती हूँ, हम भी आते हैं, मेरे हस्बैंड भी आते हैं, सभी आते हैं। हमने सरकार से क्या अपील करोगे? हम यही बोलते हैं हम कि पिताजी जल्द से जल्द हमारे बाहर आ जाए। तो दोस्तों, आपने देखा कि ये लोग बता रहे हैं कि जो फैक्ट्स हैं, जो रियल फैक्ट्स हैं, वो ये हैं कि इन्होंने आज तक गुरुजी के बारे में ऐसा कुछ नहीं देखा जो कि 4 साल पहले मीडिया की हेडलाइंस में दिखाया गया। तो आप भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आखिर क्यों फिर एक सच्चे संत को बदनाम करने की साजिश की गई, आखिर क्यों एक सच्चे संत, एक समाज सुधारक पर ऐसे आरोप लगाए गए। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आखिर क्या है सच और क्या है सच के फैक्ट। सब बने रहिए द फैक्ट आई के साथ। नमस्कार।